दोस्तों ये फुली टच इंडक्शन कुकटॉप है। देखिए आप कैमरा के सामने स्क्रीन में आप लोग देख पा रहे होंगे। इसका प्रॉब्लम जो है ये है, देखिए मैं इस पर पावर देख के ऑन किया हूँ। देखिए इसका जो फंक्शन है, जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे पावर देख के, इसका फंक्शन जो है यहाँ से वहाँ जंप हो रहा है और ऑटोमेटिक जो है अपने आप जो है मेन्यू वगैरह जो है अपने आप सेलेक्ट हो रहा है और बीच बीच में जो है अपने आप ऑफ भी हो रहा है इसमें। और जो है फिर से आप इसको ऑन करेंगे जो इसका फंक्शन जो है यहाँ से वहाँ फिर से जंप हो रहा है। देखिए मैं इसको पुश करके भी रखेंगे तो फिर से दोबारा से फिर अपने आप ऑन हो जा रहा है। और देखिए ये ऑफ करके फिर अपने आप ऑन हो रहा है। तो देखिए दोस्तों ये इंडक्शन को मैं खोल करके रखा हूँ आप लोग के सामने, कैमरा की स्क्रीन के सामने आप लोग देख पा रहे होंगे। इसमें एक्चुअली समस्या ये है कि देखिए आप लोग को मैं आप लोग वीडियो को जो है अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो ये देखिए ये एक्चुअली कोई कंपोनेंट्स वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं इसको ऊपर का जो ग्लास पैनल है इसको निकाल दिया हूँ और ये देखिए ओपन पोजिशन में मैं इसको अपना स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको टच करके ऑन कर रहा हूँ। देखिए और इसका फंक्शन वगैरह जो भी है मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और इंडक्शन जो है बिल्कुल भी एकदम स्मूथ चल रहा है। देखिए कोई मतलब मेल फंक्शन नहीं हो रहा है इसमें। तो ये एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि ऊपर का जो पैनल है, ऊपर का जो इंडक्शन का कवर है, ग्लास पैनल है, वो क्योंकि हम लोग जैसे इसको चलाते जाएंगे और जो है क्योंकि हीट काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, वो हीट होने की वजह से ग्लास का जो टेम्पर है थोड़ा सा कम हो जाता है। और हम लोग इसके ऊपर मतलब फंक्शन को हम लोग कुछ भी नहीं करने से भी जो है इंडक्शन जो है अपने आप चलने लगता है। तो ये देखिए यह इसका जो टच का स्प्रिंग बटन्स है, इसका ऊपर में ये ऐसा इंसुलेशन पेपर जो है बिठा करके जो है इसका जो ऊपर का जो ग्लास पैनल है इसको लगाएंगे। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे मैं कवर लगा दिया हूँ ये स्क्रीन जो टच का जो स्प्रिंग्स है उसके ऊपर, ये इंसुलेशन पेपर लगा करके मैं कवर को लगा दिया हूँ, ऊपर प्लेट भी रख दिया हूँ और इंडक्शन को ऑन भी कर दिया हूँ। ये देखिए अभी इंडक्शन जो है कैसे स्मूथ चलने लगेगा। अभी देखिए तो मेनू वगैरह जो भी फंक्शंस वगैरह है सब सिलेक्ट करके आप लोग को दिखाएंगे, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो स्टार्टिंग में जो इंडक्शन जो चला के आप लोग को सामने दिखाया और अभी जो चल रहा है कैसे चल रहा है। देखिए क्योंकि टच जो है बहुत ही सेंसिटिव है, इसका पास जो है बटन्स जो भी फंक्शंस है यहाँ पे जो डिस्प्ले में दिया हुआ है, इसका पास कुछ भी अगर हलचल होगा तो तुरंत ही जो है सेंस करने लगता है और अपने आप जो है फंक्शन होने लगता है। तो ये चलाते चलाते जो है ग्लास, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने लगता है इंडक्शन को चलाने पर, तो ग्लास का जो टेम्पर है थोड़ा सा कम हो जाता है, जिससे कि सेंसर जो है टच जो है बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है, जिससे इसका पास थोड़ा सा भी आप कोई भी हलचल करेंगे अपने आप मेल फंक्शन करने लगेगा। तो इस तरह से अभी देखिए मैं इसके ऊपर जो इंसुलेशन पेपर लगाया आप लोग के सामने लगाया, तो कैमरा के सामने आप लोग देख पाएंगे। तो उसके बाद ये ऊपर का जो ग्लास पैनल है इसको लगाया हूँ और अभी जो है आप लोग के सामने दिखा रहा हूँ ये चला करके। देखिए मेनू वगैरह जो भी है मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, अभी कुछ भी मतलब मेल फंक्शन नहीं हो रहा है। तो देखिए अभी बराबर स्मूथ चल रहा है। तो ये कोई कंपोनेंट्स वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अगर हाँ ऐसे ये बात अलग है, अगर आपका जो इंडक्शन का जो कीपैड है उसमें काफ़ी डस्ट वगैरह मॉइस्ट वगैरह है तो आप जो है खोलने पर अगर मिलता है तो आप उसको अच्छी तरह से एक बार क्लीन कर लीजिए थिनर या पेट्रोल की मदद से। मैं आई बटन में इसका एक लिंक भी दे दूँगा जिससे मेल फंक्शन होता है कीपैड में अगर गंदगी वगैरह डस्ट वगैरह जमा होने पर कैसे मेल फंक्शन करता है, उसको कैसे रिपेयर करेंगे, इसका भी एक वीडियो में लिंक मेरा चैनल में पड़ा हुआ है। अब मैं जो है इसका लिंक जो है आई डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन को प्रेस करके भी आप लोग देख सकते हो उसका। तो अभी जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो अच्छी तरह से जो है इंडक्शन चलने लगा है, मेल फंक्शन नहीं है इसमें।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा एक लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो में करने के